दो उंगलियों से आपको बालों को इस तरह से पकड़ना है, स्कल्प के साथ में किसी भी हिस्से से पकड़ सकते हैं और इस तरह से ऊपर खींचना है। अगर आपके 5 या 6 बालों से ज़्यादा टूट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और अगर आपके 1 या 2 बाल आ रहा है या कुछ भी बाल नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है। किसी भी व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर 50 से 100 बालों का डेली टूटना बिल्कुल नॉर्मल है, उनका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, और अगर 100 बालों से ज़्यादा टूट रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनका हेयर फॉल हो रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट्सअप एवरीवन, इफ यू आर न्यू माय नेम इज अरुण मुश्ताक, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे थे 6 ऐसी मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं और हमारे हेयर फॉल होते रहते हैं। नंबर 1 मिस्टेक है डेली शैम्पू करना। बहुत सारे लोग डेली शैम्पू करते हैं, उन्हें लगता है कि हम डेली शैम्पू करेंगे तो बालों से सारी गंदगी निकाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्कल्प से नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे बालों को हेल्दी रखता है और हमारे बालों को ड्राई नहीं होने देता। हम डेली शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल ड्राई रहने लगते हैं और डैमेज होने लगते हैं। तो हमें वीक के अंदर 2 बार ही शैम्पू करना चाहिए, मैक्सिमम हम 3 बार शैम्पू कर सकते हैं। तो कोशिश करें वीक के अंदर हम 2 बार ही शैम्पू करें, ये हमारे बालों के लिए अच्छा रहेगा और हमारे बाल उससे हेल्दी बने रहेंगे। मिस्टेक नंबर 2, हमारे बहुत से भाई लोग बालों के अंदर ऑयल का यूज़ ही नहीं करते, और बिल्कुल सही भी है क्योंकि ऑयल का यूज़ करने से हमारे बाल बिल्कुल चिपचिपे और ऑयली से लगते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल अवॉइड करना ऑयल को, बहुत ही गलत हो जाता है। हमें वीक में 1 या 2 बार तो ऑयल मसाज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो होममेड ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो सकता है, चाहे कोकोनट ऑयल हो, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं बालों के अंदर अच्छे से तो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हमारे ब्लड के अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल तक अच्छे से ब्लड पहुंच पाता है अगर हम हेयर मसाज करते हैं। जिससे हम रब करेंगे तो हीट होगा और ब्लड अच्छे से आएगा तो हमारे बाल हेल्दी रहेंगे। अगर आपको होममेड हेयर ऑयल चाहिए तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था होममेड हेयर ऑयल, जिसे कलौंजी का तेल भी बोलते हैं, जिसमें हम अरंडी भी यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो मैंने कंप्लीट डिटेल से ट्यूटोरियल बनाया था कि किस तरह से हम घर पर ही होममेड हेयर ऑयल बना सकते हैं। तो वो वीडियो आप देखिएगा और वो ऑयल आपके घर पर ही बना लीजिएगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखिएगा। और आपको वीक में 2 बार हेयर मसाज करनी है, कम से कम 1 बार तो हेयर मसाज करनी ही करनी है। मिस्टेक नंबर 3, हमारे बहुत सारे भाई लोग नहाने के बाद बालों को जोर जोर से रब करते हैं टॉवल के साथ। तो हमें नहाने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा रब नहीं करना है, हमें बालों को बिल्कुल आराम से टैप कर करके बालों को आराम से सुखाना है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है डोंट टेक बाथ विद द हॉट वाटर, यू हैव टू यूज़ कोल्ड वाटर और वार्म वाटर। आपको गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सामने सर्दियाँ आ रही है और सर्दियाँ में तो भाई लोग बिल्कुल गर्म गर्म पानी से नहाएंगे। गर्म पानी से नहाने से हमारे बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, हमारी स्कल्प बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो कोशिश करें कि ठंडे पानी से ही नहाएं, और अगर ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो बिल्कुल उसे थोड़ा वार्म कर लें, बिल्कुल हीट नहीं करना है। आप वार्म वाटर से नहा सकते हैं या ठंडे पानी से नहाएं, तो कोशिश करें कि ठंडे पानी से ही नहाएं। नेक्स्ट है बालों के अंदर हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें, और अगर यूज़ करते हो तो आप हेयर प्रोटेक्टिंग क्रीम या हेयर प्रोटेक्टिंग मूव लगाकर ही हेयर प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स आते हैं और वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। या कोई ओकेज़न हो या फिर कोई पार्टीज़ में जाना हो तब आप यूज़ कर सकते हैं, वीक में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम। कोशिश करें कि अवॉइड करें हेयर प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट है अनहेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि हम हेल्दी और अनहेल्दी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करते। अनहेल्दी हम डाइट लेते रहते हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे किसी भी तरह का फूड हो, जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सारे अनहेल्दी फूड हैं जो हमारे हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं।
तो कोशिश करें अपनी डाइट मेंटेन करें, अपनी हेल्दी डाइट को बैलेंस करें। अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने कंप्लीट डिटेल से डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर हेयर मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके हेयर्स के लिए और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वो सारे वीडियोज़ देखिएगा, आपको DHT के बारे में, मिनोक्सीडिल के बारे में, हेयर लॉस की कंप्लीट डिटेल आपको उस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन पीक पे होता है तो हमारे हर हार्मोन को ये डाउन कर देता है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो, चाहे गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन हो, इन दोनों टॉप के हार्मोन्स को भी स्ट्रेस हार्मोन डाउन कर देता है। तो कोशिश करें चिंता बिल्कुल भी ना करें। चिंता चिता के समान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और चिंता करने से कोई काम नहीं होता है, काम हमेशा करने से होता है। सोचिए और करिए, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम नहीं कर सकते वो होगा नहीं, जो हम कर सकते हैं उसे करिए। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस हमारे हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो कोशिश करें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हर तरह के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम ID पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल शेयर करता रहता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ मिलते हैं, आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ भी जवाब दूंगा। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under.